हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू केमिकल साइंस और बच्चों आज हमारे पास है पेपर आपका एमएससी सेकंड सेमेस्टर 2015 फोर्थ पेपर होता है जो आगे आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का ठीक है तो देखते हैं कैसा पेपर आया था 2015 में और इसके इंपॉर्टेंट तो देखो सेक्शन ए है कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जो आपको भरने हैं ठीक है ईच क्वेश्चन कैरीज़ वन एंड हाफ मार्क्स ठीक है देन अच्छे से देखेंगे आप क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एन एम आर डेटा ठीक है एन एम आर का डेटा दे रखा है डेल्टा वैल्यूज वगैरह दे रखी हैं और आपको इससे उसका कंपाउंड निकालना है ठीक है द सिग्नल फॉर मिथालियन प्रोटॉन ऑफ ब्यूटीन इन वन एच एन एम आर इज स्प्लिट इन टू डैस कितने में स्प्लिट होता है ओके हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एच एन एम आर आर इक्वेलेंट टू ऑर्थोपैर एंड मेटाज द लार्जेस्ट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड डैस हाउ मेनी सिग्नल वक्स एक्सपेक्ट टू सी इन वन एच एन एमर इन वन कॉमर थ्री डाई इथाइल बेनजीन ठीक है टेन पार्ट्स देखो ये सेक्शन बी है ठीक है ये सेक्शन ए था इसमें टेन क्वेश्चन थे सेक्शन बी अटैम्प एन टेन पार्ट ठीक है ईट कैरीज थ्री मार्क्स वर्ट इज स्टेविंसन रूल इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री इलेस्ट्रेट द रूल विद सुटेबल एग्जाम्पल द जी ई वैल्यू फॉर रेयर अर्थ आई इन इज वेरी मच क्लोजर टू फ्री आयंस ठीक है एक्सप्लेन करना है इसको वट डू यू वाई डू साइक्लोपेंटेनोन एंड साइक्लो गिव सेम बेस पिक इन एमएस स्पेक्ट्रोमेट्री ठीक है डिस्कस ई आई एम एस ऑफ मिथाइल बुटेनो देन फिर फिफ्थ क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट एन ओ एंड डबल रेजोनेंस इन एन एम आर ठीक है ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आया बच्चों देन डिड्यूज द इंटेंसिटी ऑफ एम एम प्लस टू एंड एम प्लस फोर आय इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग रिलेशन बिटवीन केमिकल शिफ्ट एंड कपलिंग कॉन्स्टेंट विद द सुटेबल एग्जाम्पल शोइंग फर्स्ट ऑर्डर एन एम आर स्पेक्ट्रा देन वट डू अंडरस्टैंड बाय नाइंटी डिग्री आर एफ प्लस ठीक है एक टर्न देखा आपको नाइनटी डिग्री आर एफ प्लस इसका इस इसकी मीनिंग आपको समझानी है ठीक है डिस्कस इन ब्रीफ द एनर्जेटिक इन्वॉल्व इन द रिकनेशन ऑफ अ मेटा स्टेबल आयन देन ऑल द केमिकल शिफ्ट इक्वेलेंट प्रोटोन मैग्नेटिकली इक्वेलेंट इफ़ नॉट वाई ठीक है एक्सप्लेन करना है बताना है अगर है तो ठीक है अदरवाइज एक्सप्लेन करो देन देखिए टीन एफ नाइनटीन एंड थर्टी वन एफ एन एम आर स्पेक्ट्रा हैल स्विफ्ट रेंज वाय ठीक हैगेनिक कंपाउंड ठीक है मोलिक्ल है फॉलोइंग पीक्स इन एम एस ठीक है वट इंफॉर्मेशन वुड यू डिड्यूज ठीक है तो आपको इसके रेशियो दिखा है एम जेड देन अनऑर्गेनिक कंपाउंड

डाइस्टीरोटॉपिक प्रोटोन कौनों से होते हैं देन नाइट्रोजन हैज निगेटिव गायरोमैगेटिव रेशियो गामा वर्ड डज इट सिग्निफिकेंस ठीक गिव द नंबर ऑफ लाइन्स इन द ईसआर स्पेक्ट्रम ऑफ रेडियल एनायन ऑफ पायराजीन विद सिग्नल इंटेंसिटी देन आता है आपका सेक्शन सी ठीक है तो ये सेक्शन बी था देन सेक्शन सी नी टू क्वेश्चन ईच क्वेश्चन मार्क्स टू आइसोमेरिक कंपाउंड ए एंड बी हैविंग मॉलिकुलर फॉर्मूला सी सेवन एच एट ओ शो द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड ठीक है एनएमआर का क्वेश्चन है वैल्यूज आपको दे रखी हैं इससे आपको इसका स्ट्रक्चर फाइंड करना है ठीक है देन ये कंपाउंड बी है इसके लिए भी एन एम आर वैल्यूज दे रखी हैं ठीक है तेके? और इसका भी आपको स्ट्रक्चर फाइंड करना है देखिए देन फोर्थ क्वेश्चन है इसमें राइट डाउन राइट नोट ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग जीरो फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है ठीक है डिपेंडेंस ऑफ जी ऑन एस एल एंड जे क्वांटम नंबर देन एन क्यू ई एंड इट्स सिग्निफिकेंस लार्मर प्रिशनल फ्रिक्वेंसी ठीक है ये आपने पढ़ी हुई एन एम इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया होगा देन वी प्लस थ्री कॉम्प्लेक्स आयन ग्राउंड स्टेट टर्म थ्री एफ एस का इन एन ऑक्टाहीडल फील्ड डिस्कस द फॉलोइंग स्प्लिटिंग इन एन ऑक्टाहीडल फील्ड ठीक है एंड इफेक्ट ऑफ ट्राइगोनल डिस्टोर्शन देन दो टम इसमें और हैं सी जीरोक्ट ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड सिक्स क्वेश्चन है इसमें देखिए ड्रॉ द एनर्जी लेवल स्प्रिटिंग डायग्राम फॉर एम एन सेकेंड ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स ठीक है हाउ विल यू डिस्टिंग थ्री आइसोमेरिक्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री ठीक देन सेवंथ क्वेश्चन इसमें है बच्चा हमारे पास देखिए स्क्रैच द एक्सपेक्टेड थर्टी वन पी एन एम आर स्पेक्ट्रम ऑफ एच पी एफ टू ठीक है वेल्यूज दे रखिए हम देन इसी का सेकेंड पार्ट दे रखा है आपको एक्सप्लेन हाउ डबल रेजोनेंस टेक्निक कुड बी एनालाइज टू इंटरप्रेट इंटरप्रेट नॉन फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा ऑफ ब्यूटे नॉल ठीक है तो ये क्वेश्चन थे जो आपके फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और ईजी पेपर है कोई इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें बिल्कुल सीधा टू द पॉइंट बात करिए है कुछ न्यूमेरिकल ज़रूर आए हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एन के क्वेश्चन करने की और मास ई ईएसआर सभी के क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर ठीक है तो ये आपने बच्चों पेपर देखा देन मिलते हैं फिर और पेपर्स के साथ